हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट नेशनल प्रेजुडाइस। क्या आज हम इसकी थीम के बारे में पढ़ेंगे जो कि ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखा है। नेशनल प्रेजुडाइस एक ऐसे है, इसमें क्या होता है, जो राइटर है वो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि जो हमारा नेशनल पक्षपात है, हम उसके इतने ज़्यादा गुलाम हो गए हैं कि हम इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। ठीक है, तो राइटर ने जो राष्ट्रीय पक्षपात है उसके कारणों को प्रेजेंट किया है। उन्होंने मानव का जो हैबिट्स है, मानव के जो स्वभाव है, उसमें बहुत गहन तरीके से इनको प्रेजेंट किया है इन्होंने। ओके, तो इन द एसे एंटाइटल्ड नेशनल प्रेजुडाइस द राइटर डिप्लोर्स द फैक्ट दैट वी आर सो मच इंस्लेव्ड टू आवर नेशनल प्रेजुडाइसेस दैट वी आर नो लॉन्गर एबल टू थिंक ऑफ मैन एज मैन। ही प्रेजेंट्स द कॉजेस ऑफ नेशनल प्रेजुडाइस विच शो हिज इंटीमेट नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर। ही कंक्लूड्स द एसे बाय डिक्लेयरिंग दैट ही वुड prefer the title of a citizen of the world to any other appellation. In this essay, the writer, after a close observation, finds out that the feelings of prejudice is the outcome of our excessive love for our country. Our feelings of patriotism is also responsible for this prejudice. He also describes the great downfall of the feelings of brotherhood and neighborhood. He thinks that the feelings of jealousy, superiority and pride have given birth to prejudice. इन्होंने क्या एक तरीके से ऑब्जर्वेशन किया है और लास्ट में ये रिजल्ट निकलता है कि जो पक्षपात की भावना है वो हमारे देश के लिए जो लोगों का देशभक्त है उसका परिणाम है। ओके, इन्होंने इस चीज़ को उत्तरदायी ठहराया है। इन्होंने इस तरीके से भी बताया कि जो भाईचारे हैं, पड़ोस की भावना है, वो भी एक तरीके से पतन का उनका वर्णन किया है। वो सोचता है कि जो ईर्ष्या है, श्रेष्ठता है, इन सब ने पक्षपात को जन्म दिया है। द राइटर वॉज ग्रेट फॉन्ड ऑफ वंडरिंग ऑफ पब्लिक प्लेसेज सच एज टेवर्न्स coffee house and other places of public resort. During one of his rambles, the writer got opportunity to join a company of English gentlemen. जो राइटर है वो कॉफ़ी हाउसेज, अन्य सार्वजनिक आश्रमों पर घूमने का काफ़ी शौकीन था। अपने एक ट्रैवलिंग के दौरान लेखक को अंग्रेज सज्जनों की एक संगति में शामिल होने का अवसर मिला। वन ऑफ द जेंटलमैन स्टार्टेड कंडेमनिंग द पीपल ऑफ अदर नेशंस अंडर द फीलिंग्स ऑफ प्रेजुडाइस। एक सज्जन व्यक्ति ने पक्षपात की भावना में अन्य राष्ट्र के लोगों की आलोचना स्टार्ट कर दी थी। ही कंडेम्ड द इविल्स ऑफ द डच, द फ्रेंच, द जर्मन्स एंड द स्पेनियर्ड्स। But he tried to show the superiority of his nation and its people. लेकिन उसने क्या किया, जो उसके अपने देश के लोगों की तो उसने श्रेष्ठता बताया उस अपना राष्ट्र और बाकी जो देश थे उन सबकी बुराइयाँ उसने की। He called the people of this nation brave, generous and mild. He called them superior in many other good virtues. In this way, he presented himself as an embodiment of the feeling of prejudice. The writer did not show any response at his condemnation. All the company began to regard him with jealousy when he, without the feeling or partiality, appreciated good qualities of the Dutch.
द फ्रेंच द जर्मन्स एंड द स्पेनियर्ड्स एंड कंडेम्ड द बैड क्वालिटीज ऑफ द इंग्लिशमैन. He called the Englishman rash, headstrong and impetuous. जो एक जेंटलमैन था उसने अपने देश के लोगों को बहादुर, उदार, विनम्र कहा और बहुत से गुणों में उन्हें श्रेष्ठ बताया और उसने स्वयं को पक्षपात की भावना के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया. लेकिन लेखक ने उसकी आलोचना पर कोई भी प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की. जब लेखक ने पक्षपात की भावना के बिना हॉलैंड, फ्रांस, जर्मन, स्पेन के निवासियों के अच्छे गुणों की प्रशंसा की तो अंग्रेज के बुरे गुणों की आलोचना की तो संपूर्ण संगति ने उसे ईर्ष्या की दृष्टि से देखा. उसने अंग्रेजों को अविवेकी, हठी तथा क्रोधी कहा. द राइटर ऑब्जर्व्स दैट इन दिस मॉडर्न टाइम्स देयर आर ओनली फ्यू पीपल हु कॉल देमसेल्व्स द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड. टूडे द पीपल आर नोन आफ्टर देयर नेशंस. नाउ दे आर नेटिव्स ऑफ द पर्टिकुलर स्पॉट एंड आर द मेंबर्स of one petty society. They no longer consider themselves as the member general inhabitants of the global or members of the grand society which comprehends the whole human kind. This feelings of prejudice is not limited to the meanest and lowest people, but it has impacted the minds of educated, civilized and the people of moral dignity. The writer thinks that his feelings of prejudice is the outcome of the people's excessive love for their country. जो राइटर है वो ऑब्जर्व करता है कि इस मॉडर्न टाइम में केवल कुछ ही लोग जो हैं जो स्वयं को संसार का नागरिक कहते हैं, आज लोगों को उनके राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, अब वे एक विशेष स्थान के नागरिक हैं और एक तुच्छ समाज के सदस्य हैं. वे स्वयं को पृथ्वी के सामान्य निवासियों के रूप में नहीं समझते हैं या वे विशाल समाज के सदस्यों के रूप में स्वयं को नहीं समझते. संपूर्ण मानव जाति को जो समझता है वह पक्षपात की भावना निम्न लोगों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें जो एजुकेटेड हैं, सभ्य पर्सन हैं, उनके भी मस्तिष्क को प्रभावित किया हुआ है. लेखक सोचता है कि पक्षपात की भावना अपने देश के प्रति लोगों के अत्यधिक प्रेम का परिणाम होता है. The writer presenting the great fondness of wandering at public places and meeting different kinds of people have been extracted from the essay entitled National Prejudice, written by Oliver Goldsmith, who was an eminent periodical essayist of the 18th century and occupies a unique place in the history of English literature. He is rightly regarded as an important link between the 18th century essay of mild social criticism and the full-blooded personal essay of Lamb and his contemporaries. The chief charm of Goldsmith, both as man and writer, lies in his broad sympathies and freedom from prejudices of all sorts. In the present essay, he deplores the fact that we are so much enslaved to our national prejudices that we are no longer able to think of men as men. He gives a masterly analysis of the causes of national prejudice, which shows his intimate knowledge of human nature. He concludes the essay by declaring that he would prefer the title of citizen to the world to any other appellation. Here the writer describes one of the experiences of participating in a company of the gentlemen who were engaged in a dispute about some political affairs.
ओके द राइटर डिस्क्राइब्स अबाउट द टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन विच वन ऑफ द जेंटलमैन स्टार्ट्स ही ऑल्सो प्रेजेंट्स द सुपीरियरिटी ऑफ द जेंटलमैन दैट ही शोज ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन ही suppresses the qualities and merits of all the nations and its people. In every good qualities and merit, he provides superiority only to his country. In this way, the gentleman shows the feeling of national prejudice. Although there were many topics to talk over, yet the company of the gentleman started conversing about the different characters of several nations of Europe. One of the gentlemen of English company was under the impression of superiority. He assumed an air of great importance. He put his hat in slanting manner and showed his importance among the companions. Perhaps he was trying to show as if he had possessed all the qualities of the English nation. He was full of the feelings of national prejudices. The writer did not want to leave this chance of sharing their conversation. He thought that he could gain a lot from their conversation. The writer was great fond of wandering of public places. He spent a greater part of his life in public inns. He met different kinds of people and observed them closely. He examined their natures, manners, and characters. Indeed, it was the greatest source of writer's entertainment. It enjoyed him more than any kind of art. Okay, thank you for watching.